नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत UP2 बोर्ड की कक्षा 5 की गणित विषय के पाठ 18 आयतन और धारिता से संबंधित थीम आधारित उपस्थिति नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ आयतन और धारिता के सारांश में आपको बताना चाहता हूँ। प्रस्तुत पाठ में घन और घनाभ से संबंधित जो त्रिविमीय आकृति हैं उनके बारे में जानकारी बताई गई है और घन और इसके अतिरिक्त आयतन और धारिता के बारे में बताया गया है। आइए हम बात करते हैं नवाचार की नवीनता के बारे में। प्रस्तुत पाठ में जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट का पुनः अध्ययन छात्र कर सकते हैं। एक थीम पूर्व निर्धारित रहती है जिसका इस्तेमाल छात्र की उपस्थिति दर्ज करते समय शिक्षक करते हैं और उनकी जानकारी को वो दोहरा सकते हैं जिससे कि वह उन्हें वो जो कॉन्सेप्ट है लंबे समय तक याद रह सकें। अगर हम बात करें नवाचार के क्रियान्वयन के बारे में तो प्रस्तुत पाठ में जो त्रिविमीय आकृतियों के बारे में बताया गया है जैसे कि घन और घनाभ, तो इनका आयतन किस तरीके से निकाला जा सकता है इससे संबंधित जानकारी को छात्र दोहरा सकते हैं। अगर हम बात करें नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि की तो नवाचार का जो क्रियान्वयन है इसमें मात्र 20 मिनट का समय लगता है। यदि हम बात करें पूर्व प्रबंधन की तो नवाचार के क्रियान्वयन में जो ये किया जाता है तो शिक्षकों को इसमें पूर्व प्रबंधन में जो घन से संबंधित जो भुजाएं हैं वह लिखनी होती हैं ताकि जब ये नवाचार क्रियान्वित हो उपस्थिति दर्ज की जाए तो छात्र इसका आयतन बता सके। तो केवल श्यामपट पे उनको लिख देना पर होता है कि एक घन है जिसकी जो भुजा है वह 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से अलग अलग जानकारियाँ शिक्षक को अपने श्यामपट पर लिखनी होती है। आइए हम बात करते हैं शिक्षकों के लिए निर्देश की। शिक्षकों के लिए जो निर्देश है यह है कि जो थीम है जो त्रिविमीय आकृतियों को लेके है घन और घनाभ को लेके हैं तो वह पहले से पूर्व निर्धारित होनी चाहिए और जब ये पाठ पढ़ाया जा रहा है तो उसी दौरान ये बताया जाना चाहिए छात्रों को कि जो अगले दिन जो उपस्थिति दर्ज होगी तो उसमें ये जो थीम है ये निर्धारित रहेगी पहले से। अगर जो उपस्थिति है जब दर्ज की जा रही है तो वो क्रमानुसार ही ली जाएगी जैसे कि अनुक्रमांक 1 अनुक्रमांक 2। इसके अतिरिक्त जो विनम्रता है उसका ध्यान शिक्षकों को रखना होता है जिससे कि छात्रों में भी विनम्रता का जो कौशल है वो विकसित हो सके। इसके अतिरिक्त जो उपस्थिति है उपक्रमानुसार ही ली जाती है। आइए हम इसे उदाहरण के साथ समझते हैं कि उपस्थिति किस तरीके से दर्ज की जाएगी। सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि उदाहरण है उदाहरण के लिए जिसका भी अनुक्रमांक 1 है तो शिक्षक जैसे ही कहेंगे अनुक्रमांक 1 तो जिसका भी अनुक्रमांक 1 है वह अपने स्थान से खड़ा होगा और उसको भुजा की जो लंबाई है भुजा की जो जिसका उसको आयतन ज्ञात करना है वह श्यामपट पर लिखी हुई है पहले से तो वह उसे देखेगा तो वहाँ पर लिखा हुआ है भुजा 3 सेंटीमीटर तो उसका उसका आयतन बताना होगा जो कि होगा 27 घन सेंटीमीटर। तो इस तरीके से एक एक छात्र अपने अपने स्थान पर खड़ा होता है जब भी उनका अनुक्रमांक लिया जाता है और अपने स्थान पर खड़ा होने के बाद जो घन की भुजा दी हुई है उससे संबंधित वो आयतन बताता है जिससे कि उसे आयतन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि आयतन किसी भी जो घन है उसका आयतन कितना होता है। शिक्षक जो उपस्थिति दर्ज कर रहे होते हैं वह अंतिम अनुक्रमांक तक इसी तरीके से चलती रहती है। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल के बारे में। यदि हम प्रतिफल की बात करें तो प्रस्तुत पाठ में जो घन और घनाभ के बारे में जानकारी बताई गई है और उनके आयतन से संबंधित जानकारी बताई गई है तो इससे थीम आधारित उपस्थिति में जब उनको आयतन के बारे में बताया जाता है तो वो अपने दैनिक जीवन में उसके उपयोग को समझते हैं। जैसे कि एक ऐसी कोई घनाभाकार आकृति है जिसमें कि जैसे संदूक है तो इसमें कितना कितना सामान आ सकता है, कितना आयतन आ सकता है, कितना आयतन उसका आयतन होगा, इससे संबंधित जानकारी उन्हें प्राप्त होती है। अपने दैनिक जीवन से जो संबंधित उदाहरण है उससे वे सीखते भी हैं। यदि हम बात करें भाषा की बारीकियों के बारे में तो भाषा की बारीकियाँ भी सीखते हैं और जो अगर कोई अभाज्य शब्द आता है तो उसे अपने शब्दकोश से ढूंढते भी हैं। तो इस तरीके से नवाचार विद्यालय में क्रियान्वित किया जाता है। NCF 2005 के उद्देश्यों की पूर्ति भी ये नवाचार करता है क्योंकि ये बाल केंद्रित है, विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी के ऊपर आधारित है। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के साथ भी ये नवाचार क्रियान्वित किया जा सकता है, उन्हें भी इसमें सम्मिलित किया जा सकता है, समावेशी शिक्षा में उन्हें भी शामिल किया जा सकता है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश पाठ्यक्रम के अनुसार तो प्रस्तुत पाठ को जनवरी माह में पढ़ाया जाना चाहिए।
प्रस्तुत पाठ में आज हमने जो आयतन धारिता है इसमें थीम आधारित उपस्थिति नवाचार का क्रियान्वयन समझा। इस पाठ में और भी कई सारे नवाचारों का क्रियान्वयन किया जा सकता है। हम आशा करते हैं नवाचार अपने विद्यालय में आप अवश्य ही क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके की कई और दिलचस्प नवाचार हम आपके सामने लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIAEI जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।